तो इस कहानी के शुरू में हम गैस से मिलते हैं जो कि एक स्कूल टीचर है। अपने लेक्चर खत्म करके वो जैसे ही घर के लिए निकलती है तो एकदम से अंधेरा हो जाता है और यहाँ काली बारिश शुरू हो जाती है। सैम बिजी से अपनी कार में बैठ कर अपने घर के लिए निकल जाती है जो स्कूल से बहुत दूर था। बिल्कुल चंदो के अंदर रास्ते में चलते हुए उसे इस कार दिखी जिस कार के अंदर एक औरत सिस्टर में बैठी हुई थी। वो ना हिल रही थी ना ही कोई और मूवमेंट कर रही थी। गैस अपनी कैमरे में बैठे बैठे उसे देखती है और फिर अपनी कार को आगे बढ़ा देती है। उसने पुलिस को कॉल नहीं की क्योंकि इस औरत को देखकर उसे डर लग रहा था। अगली सुबह गैस का हस्बैंड जिसका नाम मैच है वो गैस को अपने घर के करीब होने वाले एक मर्डर के बारे में बताता है। गैस फौरन उसे गूगल पर जब सर्च करती है ये देखकर उसके होश उड़ गए कि ये लड़की वही थी जिसे रात में उसने कार में देखा था। अब अगले सीन में गैस में भी है अपनी बचपन की दोस्त रेचल से और यहाँ उनकी बातों से हमें मालूम होता है कि गैस के मां आज से 2 साल पहले मर चुकी जिसके दुख से गैस अभी तक बाहर नहीं निकली थी। ये दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि आज शाम उनके एक दोस्त का बर्थडे था जिसकी पार्टी में नहीं जाना था। शॉपिंग करने के बाद गैस खेला जाती है और गाड़ी से निकलते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए था। बस जिसको इग्नोर करके घर के अंदर आ जाती है लेकिन घर आने पे उसे अपने फ्रिजों के बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो मुसलसल उसके ऊपर नजर रखे हुए था। इसे देखकर टेस डरते एकदम से उसके पीछे उसके हस्बैंड आए और उसने पूछा टेस क्या देख रही हो। तब टेस ने बताया बाहर एक आदमी है जो मुझे खो रहा है। मैच जब बाहर देखता है तो बाहर तो कोई भी नहीं था। वो कैसे कहता है जिस तरह तुम थकते हो तुम आराम करो तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगी है। लेकिन कैंसर कहना था कैसे सच में उस आदमी को दिखा है पर मैच उसकी बातों पर यकीन करने वाला नहीं था। शाम की पार्टी में रेचल थी कैसे उसी मर्डर के बारे में बात करती है जो उनके घर के पास हुआ था। वो बताते हैं कि जिस औरत का मर्डर हुआ था वो औरत रेचल थी और मैट के ऑफिस में काम करती थी। घर आने पर दोबारा कैसे मैट की उसी मर्डर के बारे में बात होती है। गैस बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो मैट से कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता हम अपने पूरे घर में अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवाने। मैट को भी उसका आइडिया पसंद आता है और वो जल्दी से उठ गए पहले अपने घर के सभी खिड़कियां दरवाजे बंद करता है। मैट जब बाहर था तो इस टाइम गैस फोन पे एक कॉल आती है। जैसे कॉल उठाने पे दूसरी तरफ से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। जाहिर सी बात थी ये गैस के लिए एक थ्रेटनिंग कॉल थी। सुबह में भी इसी मर्डर की न्यूज अब टीवी पे भी आ रही थी। इसे देखकर गैस और भी ज्यादा रहती थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे ने जो बाहर जाकर चेक करती है तो हम गैस के पीछे किसी का शैडो देख पाती है। दोबारा उसे डार्क वाले नंबर से कॉल आती है और इस मैट पर भी कॉल उठाने पर आगे से कोई नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद गैस के घर पे एक लड़का आता है। बैठे हुए किस दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है ये तो अलार्म सिस्टम कंपनी से आया था जिससे मैट ने अलार्म सिस्टम लगवाने की बात की थी। सबके बाद गैस अब उस मर्डर साइट पर जाती है। वहाँ पर काफी सारे बूखे सटे हुए थे और वहाँ पे एक फॉक्स भी थी जिसे देखकर गैस डर गई और फौरन अपने घर वापस आ गई। उसने मर्डर साइट से लड़की का एक एयरिंग चुराया था जिसे लाकर उसने अपने घर पे संहार कर दिया। आज रात में जब गैस नहाने गई तो गैस को नहाते हुए बहुत अजीब फील हुआ। उसे ऐसा लगा कि कोई जबरदस्ती उसे पानी के अंदर डुबो रहा था। डरते वो जल्दी से वॉशिंग सेंटर के नाइट को कॉल करती है और उसे बताती है कि घर पर कोई आ गया है। अभी वो फोन पर बात ही कर रही थी एकदम से उसे घर की बंद गिरने जाती है। वो फौरन दरवाजे पर चेक करने जाती है तो वहाँ पर ऑफिसर्स आए थे जो उनके घर के पास होने वाले मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ऑफिसर पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़की के मर्डर के बाद वहाँ उस कार को देखा था। डरते हुए गैस बताती है हाँ मैंने देखा था लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि वो मर गई होगी। मैं बहुत घबरा गई थी इसलिए मैंने पुलिस को फोन नहीं की। मैं जो कि इसी इन्वेस्टिगेशन के टाइम यहाँ पे आ चुका था। वो ऑफिसर्स के जाने के बाद गैस से पूछता है या फिर तुमने मुझे बात क्यों नहीं बताई थी कि तुम भी उस रात वहाँ से गुजर कर आई थी। जवाब नहीं गैस कहती है क्योंकि तुमने मुझे उस रोज से गुजरने से मना किया था। उसे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगी। अगली सुबह दोबारा गैस को उसी अननोन नंबर से कॉल आती है और इस मैट पापी उसी तरफ से कोई भी उसे रिस्पांस नहीं देता। ठीक इसी बस दोबारा उसका घर नॉक होता है। बाहर जाकर वो देखती है कि सैम उसका एक स्टूडेंट उसे उसकी बुक वापस करने के लिए आया था। ये लेकर गैस भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। आज छुट्टी का दिन था लेकिन फिर भी गैस स्कूल आई थी क्योंकि उसकी मीटिंग थी। लेकिन ऑफिस में जाकर वो देखती है कि ऑफिस में तो कोई टीचर नहीं है। अभी उसी का एक कुली जो कि यहाँ का कोच है वो उनके पास आता है और उसे पूछता है आप आज क्यों यहाँ आई हैं। गैस कहती है कि आज मीटिंग थी लेकिन कोई भी टीचर नहीं आई। हैरान होकर कोच से जवाब देते हैं कि आज तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी। ये बात सुनकर गैस भी परेशान होकर यहाँ से चली जाती है और जब गैस अपनी गाड़ी में बैठ के घर के लिए निकल रही थी तो हमें दिखाया जाता है कि वो कोच अजीब सी नजरों से गैस पे नजर रखे हुए था। अब वो पूरा दिन घर पे ही थी कि तब उसे मैच ही कौन आई। मैच ने उसे बताया कि आज उसे काम से आने में देर हो जाएगी इसलिए गैस ने भी फोन काट दिया। फोन काटते ही
गैस को दोबारा से अपने घर में अजीब सी आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही वो इस आहट को चेक करने गई, उसने देखा कि उसका पूरा रूम पॉलीथिन शीट से कवर था और पॉलीथिन शीट के नीचे उसे किसी का शैडो नजर आ रहा था। जैसे ही शैडो के करीब गई तो एकदम से किसी तरह पॉलीथिन उसके ऊपर लिपट गई। उसे सांस भी नहीं आ रहा था। मुश्किल से अपने आप को पॉलीथिन से छुड़ाते हुए वो बाहर आई और उसे दोबारा उसे अननोन नंबर से कॉल आ गई। हर बार की तरह इस बार भी कोई भी दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब तो गैस बुरी तरह घबरा चुकी थी। उधर के अब बड़ी सो चुकी थी। आधी रात में किसी ने गैस को उसका नाम लेकर जगाया। गैस जैसे ही उठती है तो उसके रूम का डोर खुल जाता है। दरवाजे के पास कोई भी नहीं था और उसे यहाँ से अपनी मॉम की आवाज जा रही थी। हालांकि उसकी मॉम तो दो साल पहले ही मर चुकी थी। गैस जब उस आवाज का पीछा करती है तो उसे अब अपनी मॉम की सोल नजर आ रही थी, जिसे देखकर गैस वहाँ से भाग गई। उस सोल ने भी गैस का पीछा किया, लेकिन वो गैस के पीछे वॉशरूम में नहीं आई। इसके बाद गैस को अपने कमरे से बहुत सी चीजें गिरने की आवाज आने लगी थी, जिसे डरते हुए उसने पुलिस को कॉल कर दी। ऑफिसर जहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी जल्दी से उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उसकी फिर की पूरी तलाशी मिलने पे उन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलता। और जैसे गैस उन्हें बता रही थी कि उन्हें अपने कमरे से छीटे टूटने की आवाज आ रही थी, वहाँ तो कोई चीज हिली भी नहीं थी। अब गैस की सजीव सी हालत को देखते हुए ऑफिसर किसी को कॉल मिलाती है और उन्हें एक शॉकिंग बात ये पता चलती है कि आज से दो साल पहले गैस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसीलिए अब ऑफिसर को गैस पे शक होने लगा था। उन्हें शक होने लगा था कि कहीं गैस अभी तक ठीक नहीं है और उस मर्डर और ऐसी सारी चीजों के पीछे गैस का हाथ हो सकता है। जब गैस की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा था, तब गैस अपने कलीग से मिलती है जो कि कोच थे। कोच उसकी बातें सुन लेते थे। वो कोच को रात में हुई हर चीज बताते हैं। कोच पूछते हैं तुम्हें किस पे शक है, फोन आया होगा तुम्हारे घर पे। तब गैस कहते हैं मुझे लगता है वो बच्चा जो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसका कहना है कि वो मुझे पसंद करता है, मैंने उसे ना कह दिया था, हो सकता है वो इसी चीज का बदला ले रहा हो। रात में हम देखते हैं गैस और मैट एक साथ थी। इन दोनों की बातों से हमें मालूम होता है कि जब गैस की मॉम बनी तो उसके बाद गैस वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन से निकालने के लिए उसने बहुत सी पिल्स का यूज किया, जिसके साइड इफेक्ट में उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे। मैट कहता है मुझे लगता है तुम्हें आज भी हेलुसिनेशन हुए होंगे, लेकिन गैस कह रही थी नहीं ये हेलुसिनेशन नहीं थे, मैं श्योर हूँ कि यहाँ कोई आया था। अब मैट उसको कहता है कि हमारे घर में एक अलार्म टेक्निशियन आया था, तो मैं यहाँ अलार्म इंस्टॉल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये बात गैस को परेशान कर देती है क्योंकि उसने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। मैट भी उससे बहस नहीं करता क्योंकि वो जानता था गैस पहले से ही परेशान थी। ये दोनों सो जाते हैं और आधी रात में गैस की आंख खुलती है। वो मैट के बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालती है और देखते है कि वहाँ पे सच में उसी ने साइन किए हुए थे। उसे तो खुद अपनी दिमागी हालत पे शक होने लगा था। अगली सुबह मैट बहुत खुश था और थोड़ा सा गुस्सा थी क्योंकि उसे पता चला था कि गैस प्रेग्नेंट है। वो उसे पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी खबर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। भाई गैस कहती है अरे नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं तो मैं तुम्हें बताती क्या। ये सुनकर मैट उदास हो जाता है और उसे कहता है यार तुम भूल गई होगी, जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तुम भूल गई। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि गैस यही कह रही थी वो प्रेग्नेंट नहीं थी। यहाँ डॉक्टर उसकी दिमागी हालत को बेहतर करने के लिए बस कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसके बाद गैस और मैट दोनों घर आ जाते हैं। हराने पर गैस मैट से नाराज थी क्योंकि मैट ने बहुत ही अजीब तरीके से गैस की मेंटल हालत को डॉक्टर को एक्सप्लेन किया था। रात में जब गैस घर पर टीवी देख रही थी तो एक कोई मैट बाहर से हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। टीवी में उसे अपनी मॉम की शैडो दिखाई देने लग जाती है और टेबल पे उसे फोन से भरा एक नाइफ दिखाई देता है, जिसे देखकर खतराते हुए वो सोर्स से मैट को आवाज देते हैं। मैट आकर जहाँ दिखता है तो वहाँ कोई भी फोन से भरा नाइफ नहीं था। वो गैस की इन सभी चीजों से तंग आ चुका था और उसने वो गैस से कहता है जाओ डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन खाओ। सुबह गैस की आंख एक बच्चे के रोने की आवाज से खुली। उसके घर पे कोई बचा नहीं था। वो घर से बाहर जब चेक करने गई तो उसे सफेद कपड़े में कुछ लपटा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने वो कपड़ा खोला तो अंदर एक पपी गिलास थी, जिसे देखकर वो डर गई। गैस को ये सारी बुरी फीलिंग अंदर ही अंदर खाती जा रही थी कि उसे जो दिखाई देता था जो समझ आता था उसके कोई अखबार नहीं करता था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो डॉक्टर ने भी बताई हुई बहुत सारी मेडिसिन ले लेती है, यानी वो ओवरडोज हो जाती है और ऐसे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो बेहोश हो गई थी। उसे होश आया तो उसके घर की लाइट ब्लिंक हो रही थी। वो डर गई। दोबारा उसका दरवाजा नॉक हुआ और जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि बाहर ऑफिसर आई थी। वो उस मर्डर की ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। गैस उन्हें घर के अंदर ले आती है। वो उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी मॉम की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और अभी तक उसे हेलुसिनेशंस होते हैं। वो यहाँ पर ऑफिसर को मर्डर साइट से मिली हुई उस लड़की की ईयरिंग्स दिला देती है, जिसके बाद ऑफिसर उससे उसकी और मैट के रिलेशन के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि उसका और मैट का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफिसर कहती है कि उससे तो कंप्लेन नहीं है कि तुम्हारा तुम्हारे कलीग के साथ अफेयर है, लेकिन गैस यहाँ ऑफिसर को क्लियर कर देती है कि नहीं वो उसका कलीग सिर्फ एक दोस्त है, उससे आगे कुछ भी नहीं। घर आने पर मैट दोबारा गैस का सिस्टम हुआ था क्योंकि उसे गैस की ईयरिंग ऑफिसर को देने वाली बात पता चली थी। वो गैस से पूछता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तुम कितनी बातें छुपाने लगी हो मुझसे। गैस कहती है
मैं कुछ नहीं छुपाती, बस मैं भूल गई थी। और तुम जानते हो मैं आजकल कितनी चीजें भूल रही हूँ। अब एक दिन गैस घर पे थी तो तब उनके घर पे एक कॉल आई। ये कॉल अलार्म इंस्टॉल करने वाली कंपनी से आई थी। जहाँ कंपनी से बात करते हुए गैस को मालूम होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन असल में मैथ ने की थी, क्योंकि जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए थे उस दिन गैस तो घर पे थी ही नहीं। और इस चीज से गैस को अपने हस्बैंड मैथ पे शक होने लगा है। या फिर क्यों उसने गैस से झूठ बोला, क्यों वो गैस को ब्लेम कर रहा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसे बताया नहीं, और उसके नकली साइन करना ये सब क्या चल रहा था। अब उसे शक होने लगा था कि शायद मैथ का कहीं और अफेयर चल रहा है। इसी सिलसिले में वो अपने दोस्त रेचल से बात करती है और उसे कहती है कि तुम मैथ के पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा दो। हालांकि उसे तो रेचल पे भी शक था कि कहीं रेचल और मैथ कहीं अफेयर हो, इसलिए उसने चुपके से रेचल का मोबाइल चुरा लिया था। इस मोबाइल में गैस को बहुत से ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिसे पढ़कर वो शॉक रह चुकी थी, क्योंकि सारे मैसेजेस उस मर्डर से लिंक हो रहे थे। इसी मोबाइल से गैस को ये भी मालूम होता है कि उसका शक बिल्कुल ठीक था, रेचल और मैट का अफेयर चल रहा था, और इसी अफेयर के बारे में उनकी क्लीग को पता चल गया था। इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाते हुए उसका मर्डर कर दिया। उसे एक क्राफ्ट मैट के घर पे बुलाया और रास्ते में ही उसे पकड़कर मार दिया। गैस को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब करने वाला मैट ही था। अब वो रेचल के फोन से उस अननोन नंबर पे कॉल करती है जो उसे रोज आ रही थी। इस नंबर पे कॉल करने के बाद वो देखती है कि वो नंबर मैट भी उठाया था। इसलिए वो थ्रेटनिंग कॉल गैस को उसका हस्बैंड मैच ही किया करता था। गैस को अपने हस्बैंड के धोखे पे यकीन नहीं आ रहा था। वो इस धूप से निकलने के लिए अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन की ओवरडोज ले लेती है। जिसके बाद भी जब उससे बर्दाश्त ना हो सका तो उसने अपने हाथ की रेल्स काटी और वो वहीं पे गिर गई। इसी टाइम उसका एक स्टूडेंट उसके पास उसे बुक देने के लिए आया। वो दरवाजे को बार बार नॉक करता है और जब उस अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई देती तो वो विंडो से चेक करता है तो उसे वहाँ पर गैस बुरी हालत में दिखती है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस उसे यहाँ आकर रेस्क्यू कर देती है। जहाँ मैट को रेचल से इस बात का पता चल चुका था कि रेचल का फोन इस टाइम गैस के पास था, और रेचल भी फोन से अननोन नंबर पर यानी मैट के दूसरे फोन पर गैस ने कॉल। साफ मतलब था कि उसे रेचल और मैट के बारे में सब पता चल गया था। ये लोग अब घर के अंदर उस मोबाइल की ढूंढ रहे थे ताकि पुलिस को उसके खिलाफ सबूत न मिले, और घर में आने पर उन्हें एकदम से यहाँ पर गैस का शायद दिखाया जाता है। और ये देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि गैस अभी जिंदा थी और घर वापस आ गई थी। इससे पहले कि वो गैस को कुछ कहते पीछे से गैस का कोई मैट को पकड़ लेता है। मैट को बचाने के लिए यहाँ रेचल उसके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन एकदम से यहाँ पर पुलिस आ गई। मैट को बचाने के लिए वो साथ भी कभी हमला करती है और अपने आप को बचाने के लिए वो आधे मैट को छोड़ देता है। अब यहाँ रेचल गैस के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन दरमियान में गैस के दोस्त ने आकर उसकी जान बचा ली, और इतनी देर में यहाँ पर पुलिस भी आ गई जिन्होंने मैट और मैट के दोस्त क्लिक को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और उनकी जान बचा ली, जबकि मैट और रेचल को अरेस्ट कर लिया गया। अब सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गैस अपने कलीग को बता रही थी कि मैट की जेल में जाकर दिमागी हालत काफी खराब हो गई और उसके चलते वो मारा गया, जबकि रेचल ही कोर्ट में अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे और उसके चलते उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। यहाँ आकर हमें मालूम होता है कि असल में गैस पागल नहीं थी, उसे पागल थी मैट ही बना रहा था उल्टपटांग की दवाइयाँ देकर और उसके लिए ऐसी सिचुएशंस बनाकर जिससे वो पागल लगे। उनका फेयर बहुत पुराना था। वो चाहते थे कि गैस को मारकर वो उनकी सारी प्रॉपर्टी हत्या ली, लेकिन उनके बुरे इरादों की खबर उनकी एक उम्मीद को हो गई। इससे पहले कि वो ये सारी बातें गैस को बताते इन दोनों ने मिलकर उसे ही मार डाला। यहाँ पर एक और बड़ा सच गैस ये रिवील करती है कि उसने अपने घर में एक स्पाई कैमरा लगाया हुआ था जिससे वो हर वक्त अपने हस्बैंड पे नजर रखती थी। वो उसके बुरे इरादों को पहले से ही जानती थी, उसे मैट के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, और क्योंकि मैट को शक न हो इसीलिए वो मैट के प्लान्स के अकॉर्डिंग ही एक्टिंग करती आ रही थी। उसने ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर को पहले ही बता दी थी, और पुलिस ने ही रेचल और मैट को पकड़ने के लिए ये सारा प्लान बनाया था। इस प्लान को पूरा करने के लिए गैस ने अपने स्टूडेंट और अपने पेज से भी मदद ली थी, जिनकी हेल्प से ही आखिर में वो दोनों पकड़े गए। जहाँ बैठा एलेक्स जो ये सारी कहानी सुन रहा था वो गैस की जहानत पे बहुत हैरान था। फिलहाल गैस को रेचल और मैट की याद आ रही थी जो दोनों उसके बहुत करीब थे, और उसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ सारे गम उनके साथ देखे थे। उनके मन में या उनकी सजा से गैस पे कुछ नहीं थी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी आम सत्य हो जाती है।